राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग शहर के गुरु नानक प्राथमिक शाला स्कूल में मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने सत्ता में कांग्रेस सरकार की घोषणाओं को एक बार फिर झूठा करार देते हुए कहा, भाजपा ने जो वादे किए हैं वह पूरा होगा। कांग्रेस ने जो भी घोषणाएं और वादे किए हैं वह सब एक तरीके से लॉलीपॉप ही बनकर रह जाएगी। लोकतंत्र के महापर्व पर मैंने भी हिस्सा लिया है और मैं सभी से इस बात की अपील करती हूं कि वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर अपनी हिस्सेदारी निभाएं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी, उनका एक वोट प्रदेश को उस दिशा में ले जाने की ओर आगे बढ़ेगा जहां पर उन्होंने अपना मत दिया है। वो क्या चाहते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेशवासी वोट करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जिन विषयों को कहा है उस पर जनता विश्वास करती है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार और अपराध के कारण आज छत्तीसगढ़ की पहचान बदल गई। पिछले 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ की पहचान थी वो पहचान बदली अपराधगढ़ के तौर पर, भ्रष्टाचार के कारण और महादेव सट्टा के कारण हमने छत्तीसगढ़ की ये पहचान को देखा है। इस पहचान को हम बदलना चाहते हैं। जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने इस बात की घोषणा की है, वो पूरी होगी और बहने मजबूती के साथ में समर्थन करें, प्रदेश आगे बढ़े, इस बात के लिए मैं आज सभी लोगों से अपील करती हूँ।